आप लोगों को पता है सबको मीठा पसंद है, किसको कड़वा पसंद नहीं है, लेकिन कड़वा हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज हमने लाए हैं सेहत के लिए अच्छा वाला खाना। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए दो प्रकार के चोखा लाए हैं। आज हम बनेंगे करेला और आलू का चोखा। आइए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। सभी को पता होगा करेला तो किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन हमारा सेहत के लिए करेला जरूरी है, इसलिए आज हमने बनाएंगे करेला और आलू का। टेस्ट अच्छा हो या नहीं, पर हमारा सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए हमें खाना तो पड़ेगा। आइए दोस्तों खाते हैं और इसका मजा लेते हैं। आप लोगों को पता होगा करेला तो किसी को पसंद नहीं आता है, करेला हमारे सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए आज हम खाएंगे करेला और आलू का चोखा। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाइए। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए रेसिपी की जानने के लिए। अब जो बोल सकते हो, करेला और आलू का चोखा या करेला आलू का भरता। आइए दोस्तों बनाते हैं और इसका मजा लेते हैं। हमने यहाँ पर दो करेला और तीन आलू लिए। आप चाहे तो आलू दो भी ले सकते हैं, ये अपने हिसाब से लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर करेले को ले रहे हैं, अब कुकर में डालेंगे। देखिए बड़ा हो रहा है इसलिए नहीं होगा, इसलिए हम इसको बीच से काट लेते हैं करेले को। आप छोटा करेला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारे पास बड़े हैं इसलिए हम यहाँ पर बड़े करेले लिए हैं। हमारे कुकर में ये तो जगह नहीं ले रहा है, इसलिए हम इसको बीच से काट लेते हैं ताकि ये अच्छे से घुस सके कुकर में। बीच से काट लिए हैं हमने करेले को तो काट लिए। आलू को थोड़ा थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि आलू भी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर बीच से थोड़ा कट कर लिए आलू को ताकि आलू अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, नहीं तो करेला बॉईल हो जाएगा, आलू नहीं बॉईल होगा, इसलिए हम यहाँ पर आलू को भी बीच से कट कर लिए हैं। आलू को नीचे रख लेते हैं, उसके ऊपर करेले को रखेंगे। रख लिए, अब इसमें पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिए हैं, पानी में जैसे आलू अच्छी तरह से भीग सके आलू के हिसाब से हम यहाँ पर पानी लिए हैं। आलू देखिए, आलू अच्छी तरह से पानी में डूब रहा है। अब इस कुकर को बंद कर लेते हैं, अब गैस में चढ़ाएंगे। हमें बस यहाँ पर 3 सीटी देना है, 3 सीटी के बाद कुकर को बंद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा बॉयल हो चुका है, करेला और आलू अच्छी तरह से बॉईल हो चुके। अब इसका छोंक लगाएंगे। चोखा जो बनाना है हमें, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेते हैं। हमने यहाँ पर हरे मिर्ची और सूखी मिर्ची दोनों लिए हैं, इसका डिफरेंट स्मेल आता है और टेस्ट भी। और उसके बाद हम यहाँ पर पंचफोरन को डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर क्रस्ट गार्लिक डाले हैं, इसका डिफरेंट स्मेल आता है और टेस्ट भी, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हो गया। अब इसमें मैश्ड आलू और करेले को डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ले रहे हैं, स्वाद के मुताबिक हम यहाँ पर नमक डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोरिएंडर लीफ को डाल रहे हैं, इसका डिफरेंट टेस्ट आता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। करेले में जो पानी है हम यहाँ पर इसको सुखा लेते हैं ताकि ड्राई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा टेस्ट, नहीं तो पानी पानी रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा करेला और आलू का चोखा रेडी है। आप जो बोल सकते हैं, करेला और आलू का भरता रेडी है। आए दोस्तों इसको खाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी ज़रूर दबाइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेहत के लिए अच्छा है, खाना तो पड़ेगा हमें। जाते जाते एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए नए रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।